और यहां मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में यहां आपका आना हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप आए, ये दिखाता है कि झारखंड के लोग जेएमएम सरकार को हटाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। और मुझे तो लगता है झारखंड का मिजाज इस बार जेएमएम कांग्रेस की सरकार हटाना इतना नहीं है, इस बार झारखंड का मिजाज उनको कड़ी से कड़ी चुनावी सजा देने का मूड दिखता है मुझे। साथियों, जन जन में, मन मन में, हर कोने में, गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ लोग हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, मजदूर हो, माता हो, बहन हो, नौजवान हो, सब दूर एक ही आवाज गूंज रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, रोटी बेटी और माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, गोड़ा की ये भूमि शक्ति भूमि है, मां योगिनी की भूमि है, हृदय पीठ भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। शक्ति की इस धरती से मैं झारखंड की माताओं बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी सरकार जब भी कोई बड़ी नीति बनाती है या कोई बड़े फैसले लेती है तो झारखंड की माताओं बहनों बेटियों के भी बहुत से आशीर्वाद मिलते हैं। गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ से भी अनेकों ऐसे आशीर्वाद हमें मिलते रहते हैं। बीते कुछ सालों से यहां की बहनें मुझे लगातार एक बात जरूर बताती है, ये बताती है, मोदी जी आप हमारे लिए जो योजनाएं लाते हैं, यहां जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस वाले उनको लूट लेते हैं। साथियों, मैंने झारखंड के लाखों बहनों के नाम पर पक्के घर देने के लिए पैसा दिया है, वो पैसा मैं सीधे बहनों के खातों में भेजता हूं, लेकिन यहां की सरकार ये पक्का घर आपको मिलने नहीं दे रही है। ये अपनी ही कोई फर्जी स्कीम लेकर आई ताकि उसमें इनके लोगों को कट कमीशन मिले। इन्होंने यही किया है। मैं आप सभी की परेशानी जानता हूं। आपको बालू नहीं मिलती, गिट्टी नहीं मिलती, ये सब कुछ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के लोग बेच करके खा जाते हैं। मैंने पूरे देश की बहनों के लिए घर पर ही अपना नल लगाने की योजना शुरू की। जहां भाजपा एनडीए की सरकार है वहां तो धड़ाधड़ नल लग रहे हैं, लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है। गोड्डा साहिबगंज की बहनों के घर के में नल के लिए भी हमने दिल्ली से पैसा भेजा,
लेकिन आपके घर में नल नहीं लगा, आपके नल का पैसा भी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने, इन लोगों ने उन पैसों को भी हड़प कर लिया, खा गए। साथियों, यहां के हमारी गांव की गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, ये हमारे वंचित परिवार की बहनें, उनका चूल्हा जलता रहे, कोई गरीब बच्चा भूखा सो न जाए, इसलिए मैंने मुफ्त चावल की योजना शुरू की। लेकिन बहनें बताती हैं कि इन्होंने चावल वाली योजना भी नहीं छोड़ी, आपकी थाली में भी वो चोरी करना छोड़ते नहीं है जी। और ये लूट का पैसा कहां जा रहा है? ये वही पैसा है जो नोटों के पहाड़ के रूप में हमने टीवी पर देखा है। आप मुझे बताइए, जेएमएम, कांग्रेस को रत्ती भर भी पछतावा होता है क्या? इतने सारे रुपए पकड़े जा रहे और जो नहीं पकड़े गए वो तो कहीं बहुत बहुत दबे हुए पड़े होंगे, वो मैं बाद में हिसाब करने वाला हूं जरा उनका। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पछतावा होता कि इतनी चोरी पकड़ी गई, जरा मुंडी नीची करके जरा अच्छी बात बोलते, ये माफी तो नहीं मांगेंगे, मुझे मालूम है। वो आपके सामने अपने इस पाप के लिए शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करेंगे। नोटों के पहाड़ और वो वाला नेता जो जेल गया, देखिए, नोटों के पहाड़ वाला नेता जो जेल गया उसके परिवार के सदस्य को ही इन्होंने टिकट दे दिया, मतलब चोरी करने को सर्टिफाई कर दिया। और ये सिर्फ टिकट दिया, ऐसा नहीं है, वो आपके गांव पर नमक छिड़कने का काम किया है। सीधी सीधी झारखंड के लोगों को चुनौती है, हमारी आदिवासी माताओं बहनों को चुनौती है। ये सोचते हैं कि जेएमएम, कांग्रेस कुछ भी करे, कितनी ही लूट चलाए, नोटों के पहाड़ अपने घर में बसा लें, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड के भाई बहनों, इनके इस अहंकार को तोड़ना है, इनके इस भ्रम को तोड़ना है। अरे, लोकतंत्र है, हम मालिक नहीं है, मालिक आप है। माताओं बहनों, आप लिख लीजिए, जो भी झोपड़ी में रहता है ऐसे हर परिवार को भाजपा एनडीए सरकार पक्का घर देगी, ये मोदी की गारंटी है। झारखंड में गरीब को पक्का घर भी मिलेगा, उसमें पानी का नल भी मिलेगा और मुफ्त गैस कनेक्शन भी मिलेगा। और मैं तो हर बहन के घर का बिजली बिल, ये जो बिजली का बिल होता है ना, आप सबको मैं कहता हूं, मेरी कोशिश है कि आज जो बिजली का बिल आते ही आप सोचते हैं, यार कैसे रहेंगे, चलो इस बार ये कट करें और पैसे दे दे वरना बिजली कट हो जाएगी। अब मोदी क्या करने वाला है मालूम है? आपका बिजली का बिल जीरो। अब आपको लगेगा ये मोदी जादू कहां से करेगा, ये जादू नहीं है। हम हर घर को
करीब पौने लाख रुपया, पौना लाख, यानी 75,000 से 80,000 रुपया उनको सोलार पैनल लगाने के लिए देंगे। उससे बिजली पैदा होगी, आपकी बिजली तो जीरो बिल वाली, लेकिन अगर ज्यादा बिजली हो गई, आपकी जरूरत से ज्यादा बिजली है, तो सरकार आपकी बिजली खरीदेगी। पहले आप सरकार को पैसे देते थे, अब सरकार आपको पैसे देगी, ये काम मोदी कर रहा है। ये हर परिवार उसमें अभी रजिस्ट्री करवा रहा है, काम चल रहा है, और इससे मुफ्त बिजली भी मिलेगी, और ज्यादा बिजली पैदा हुई तो सरकार उसे खरीदकर आपको पैसे भी देगी, आप कमाई करेंगे। साथियों, भाजपा सरकार की पहचान है हम आपके लिए जीते हैं, हम आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मर मिटते हैं, दिन रात काम करते हैं, और इसलिए जो कहते हैं वो करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते हैं। अभी ओडिशा में भाजपा ने सुभद्रा योजना घोषित की थी चुनाव के पहले, और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी। आज मुझे आपको ये हिसाब देते हुए आनंद हो रहा है, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं कि हमारी ओडिशा की सरकार ने और छत्तीसगढ़ की सरकार ने सरकार बनते ही माताओं बहनों के लिए जो योजना बनाई थी, सीधे उनके खाते में पैसा जमा करने की, वो योजना लागू हो गई, पैसे उनके खाते में जमा हो गए। अब झारखंड भाजपा ने गोगो दीदी योजना शुरू करने की गारंटी दी है। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही हर महीने हजारों रुपये बहनों के खाते में आना शुरू हो जाएंगे। साथियों, पहले कांग्रेस, फिर आरजेडी और जेएमएम, इन दलों ने इस क्षेत्र में लंबे समय तक राज किया है, लेकिन आपको इन्होंने दिया क्या? इन्होंने संथाल प्रगना को सिर्फ पलायन दिया है, गरीबी दी है, बेरोजगारी दी है। खुद मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहां के लोगों को काम के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। भारत में रेलवे को 150 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन गोड्डा में आजादी के 75 साल बाद भी रेल नहीं पहुंच पाई थी। गोड्डा में रेल तक पहुंची कब? जब आपने मोदी पर भरोसा किया। अब यहां से दर्जन भर से अधिक ट्रेनें चलती है। मैं तो बाबा विश्वनाथ की काशी का सांसद हूं, काशी के लोगों ने मुझे चुन करके एमपी बनाया है, और आप सबने मिलकर के मुझे पीएम बनाया है, और आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि अब आप बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके वंदे भारत ट्रेन में बैठ के सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं। एक दिन में दो दो ज्योतिर्लिंग। साथियों, भाजपा एनडीए सरकार इस क्षेत्र में उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है। यहां बिजली के कारखाने लगे हैं, यहां सीमेंट के कारखाने लगे हैं, और यहां बड़ी संख्या में रोजगार मिले हैं। साहबगंज में एक बहुत बड़ा मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है, इससे यहां नए उद्योगों को बल मिलेगा। जेएमएम कांग्रेस वालों का उद्योगों का
दूर दूर तक नाता नहीं है, उनका एक ही उद्योग है, पेपर लीक उद्योग। उनका उद्योग है माफिया राज।